हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मेरे पे इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें जिम जाते हुए 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और हमें पुशअप्स लगाने नहीं आती। तो गाइस, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको एक बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक के पुशअप्स कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊँगा। तो गाइस, आपको पहले क्या करना है, कोई खाली से ग्राउंड या फिर कुछ भी देख के जगह खाली करके आपको क्या करना है, पहले स्टेप में करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक पोजीशन ले लेनी है। आपको ऐसे पुशअप्स करते हैं एकदम स्ट्रेट, लेने के बाद अपनी जो टांग की टांग जो है अपनी आपको ऐसे में लेनी है। लेने के बाद हेड स्ट्रेट एकदम, और जो बिगिनर है उन्हें स्टार्टिंग क्या करना है, पहले इतना ट्राई करना है, फिर अप, इतना नीचे अप। आपको ये चीज करनी है उस दिन तक जब आप देखो कि ये आपको अच्छे से आ गई है। आपको फिर क्या करना है, वापस उसी पोजीशन में आ जाना है। आने के बाद स्ट्रेट एकदम, फिर नीचे पूरा, फिर अब फिर पूरा नीचे अब। तो गाइस, जब आप ये भी करने सीख जाओगे तो आपको तीसरे स्टार्ट में क्या करना है, उसमें आपको एकदम स्ट्रेट लेके पुशअप्स पोजीशन में एकदम हेड स्ट्रेट और थोड़े थोड़े नीचे लाने की कोशिश करनी है। इतना नीचे, फिर ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। और समझ में आता है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपके जो हाथों की जो पोजीशन होगी वो इतनी होगी शोल्डर से बाहर, ना ज्यादा अंदर ना ज्यादा बाहर, क्योंकि ज्यादा अंदर करोगे शोल्डर की रेंज में तो वो आपकी ट्राइसेप की हो जाएगी। आपको ट्रेसअप की नहीं करनी है, आपको चेस्ट की करनी है। तो आपको शोल्डर से थोड़ा बाहर करके पोजीशन देने के बाद एकदम स्ट्रेट देख के स्लो में नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, कुछ दिन दीजिए। जब आप ये चीज करने लग जाओ तो वापस आने के बाद ऐसे फिर पूरा नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो गाइस, ये थे पुशअप बिगिनर्स के लिए पुशअप्स की, वो घर पर ही कैसे लगाए। तो आप गाइस इसे करीबन 3 से 4 हफ्ते तक करिए, रेगुलर पर डे के हिसाब से 3 से 4 सेट करिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप प्रॉपर पुशअप्स लगाने सीख जाओगे। तो ये तो थी बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स कैसे लगाए। अब बात करते हैं प्रो बंदों की, जो मतलब जिन्हें पुशअप्स आते हैं वो अपने पुशअप्स को हार्ड कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को पुशअप्स बहुत अच्छे से लगाने आते हैं, तो वो अपने पुशअप्स को हार्ड कैसे करें। तो गाइस, उस उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, वेट वेट की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली अपना बॉडी वेट से करना है। क्या करना है आपको, 8 से पुशअप्स लगाने हैं। मुझे पता है 8 से पुशअप्स बहुत हार्ड है लगाने, फिर भी आप रेगुलर ट्राई करोगे तो एक दिन आप पक्का सीख जाओ 8 से पुशअप्स। वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए अपने। तो आपको इस पोजिशन पर आ जाना है, इस पोजिशन पर आने के बाद अपने हाथों को इतना वाइड करके ये चीज, तो गाइस ये पुशअप्स उन लोगों के लिए थी जिन लोगों को पुशअप्स अच्छे से लगाने आते हैं, जिन लोगों को अपने पुशअप्स को हार्ड करना था। तो गाइस ये बिगिनर्स के लिए थी, बिगिनर्स इस एक्सरसाइज को ना करें, पर हाँ ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्राई करोगे तो ही आप सीखोगे, बिना ट्राई करे कोई चीज़ नहीं सीखोगे। और पुशअप्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अपने ओवरऑल ओवरऑल बॉडी के लिए। उसमें हमारे चेस्ट भी ट्रेन होते हैं, ट्राइसेप, बाइसेप, कोर, बैक, सब कुछ। तो आप रेगुलर पुशअप्स लगाए कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक कर गाइस। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कुछ क्वेरी या कोई डाइट वाइट पूछनी हो, ये इंस्टा आई डी खोलिए, मेरी फोटोज़ के नीचे कमेंट में बताते करो, लिखते करो, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूँगा।